हेलो एवरीवन। देखिए, अब डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन करते हैं। देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वैसे तो आपको पता चल ही चुका है क्या क्या डिफरेंस होते हैं, लेकिन एक बार फिर भी प्रॉपर वे में हम समझ लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमाज आर सेम, ये मैंने आपको बताई थी। वहाँ पर जो इंटेंसिटीज़ होती हैं मैक्सिमाज वाली, ब्राइट वाली, वो सेम रहती हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होती है, ये डिक्रीज़ करती हैं। जैसे हमने ग्राफ में भी ये चीज़ की थी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमाज गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्लियर। फिर इंटरफेरेंस के केस में, फॉर मैक्सिमा के केस में पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है, और मिनिमा के केस में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2n-1 λ/2 होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, मैक्सिमा के केस में पार्ट डिफरेंस 2n+1 λ/2 होता है, और मिनिमा के केस में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पर एन लैम्डा होता है। क्लियर है, उल्टा ही है बिल्कुल, लेकिन बस यहाँ पर 2n-1 λ/2 है, लेकिन यहाँ पर प्लस में आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमा के केस में मिनिमा वाला यहाँ मैक्सिमा है, और मैक्सिमा वाला यहाँ मिनिमा है, लेकिन जो मिनिमा वाला यहाँ मैक्सिमा है उसमें यहाँ प्लस आ जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम द टू सोर्स। ऑब्वियस बात है, आपको पता है दो स्लिट होती हैं, दो सोर्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। वहाँ से जो है लाइट वेव की सुपरपोजिशन होती है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो एक ही सोर्स है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं वन सोर्स से, जैसे आपको याद हो, जैसे ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, तो इसका ये पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बनता था, फिर इस प्राइमरी वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट क्या होता था, न्यू सोर्स ऑफ लाइट। वहाँ से क्या होते थे, हम क्या कहते थे, ये इनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते थे। तो सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, अब आपके पास ये वेव गई, फिर यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से ये गई, तो इनके भी जो क्रस्ट क्रस्ट वाले बनाएंगे एक, ठीक है, जिनको हम सेकेंडरी क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रस्ट क्रस्ट वाले बनाएंगे, ट्रफ ट्रफ वाले बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ एवरी पॉइंट पे यही चीज़ होगी, इस तरीके से बन जाते थे ये सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका जो एवरी पॉइंट है वो क्या हो जाता था, न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता था। तो यहाँ पर ये क्या बन जाते थे, वेव फ्रंट की बजाय हम इनको क्या बोलते थे, वेवलेट्स बोलते थे। क्लियर है, इतनी बात ध्यान रहेगी ये, ठीक है। तो ये वेवलेट्स बन जाते हैं यहाँ पर, तो ये वेवलेट्स की सुपरपोजिशन होती है। अब ये तो मैंने जैसे यहाँ पर एक इस तरीके से बनाया हुआ है, अब यहाँ पर एवरी पॉइंट में, तो मतलब जैसे मान लो ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है, अब ये पॉइंट भी है इसका न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर चलो मैंने ये बना दिया वेवलेट, तो ये इससे अगला भी तो है, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बनेंगे नहीं, तो ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वेवलेट्स ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है किसके ऊपर बन रहे थे, ये भी क्रस्ट ट्रफ के ऊपर बन रहे थे, ठीक है ना। तो ये सुपर इम्पोज होंगे, तो एक वहाँ पर भी क्या होता है, एक जो होता है लाइट का पैटर्न दिखाई देता है, जिसे हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ भी ब्राइट डार्क इस तरीके से चलता है, लेकिन जो ब्राइट की जो इंटेंसिटी है यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। यहाँ भी सुपर पोजिशन ही है, लेकिन किसकी है, यहाँ पर वेवलेट्स की है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं उन्हीं की, क्योंकि एक ही सोर्स है वहाँ से, तो क्या होंगी फिर इंटरफेरेंस किन की हो सकती है, ठीक है ना। वो तो दो सोर्स में होती थी, जैसे ये स्लिट बनाते थे हम दो, ठीक है, एक लाइट वेव यहाँ से निकली, एक लाइट वेव यहाँ से, ठीक है। ये मैंने आपको यंग डबल स्लिट में बताया ही था, ठीक है, वहाँ सुपर पोजिशन होती है उसमें वेव्स की, और यहाँ डिफ्रैक्शन में किसकी होती है सुपर पोजिशन, इन वेवलेट्स की होती है, क्योंकि एक ही सोर्स है ना यहाँ, तो दूसरा तो है ही नहीं किसके ऊपर ओवरलैप। जैसे मान लो ये तो हमारा दो सोर्स का हो गया, ठीक है, अगर सिंगल सोर्स की हम बात करें तो ये सिंगल सोर्स ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से लाइट आ रही है आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं हमारे, और यहाँ पर ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, जैसे ये वाला पॉइंट एक्ट किया, तो यहाँ पर नए बनेंगे ये, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो सुपर पोजिशन हो रही है यहाँ, ये किन की हो रही है, सेकेंडरी वेवलेट्स की हो रही है, किन की हो रही है, सेकेंडरी वेवलेट्स जो यहाँ पर बनते हैं आपके पास, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बनेंगे इसी तरीके से, ठीक है, एवरी पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से चलेंगे। समझ रहे हो बात को, समझते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सुपर पोजिशन है यहाँ पर किसकी, वेवलेट्स की, ना कि दो वेव की। तो यहाँ वेवलेट्स सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या होती थी, अलग अलग दो सोर्स से लाइट जाती थी, वो सुपर इम्पोज हो जाती, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारे पास, ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द वन सोर्स। और फोर्थ क्या है, यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स चाहिए हमें इंटरफेरेंस में, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्लियर है, इतनी बात समझते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो इसे भी अच्छे से कर लेना, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।